तो यार आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ वापस अब देखकर पबजी के अंदर कुछ कुछ मैचों में आपका लक बहुत ही बढ़िया होता है जिसमें आपको बैक टू बैक बंदे मिलते हैं और ये मैच उन मैचों में से एक था। अब ये वाला मैच जो है काफ़ी फास्ट था, मतलब उतरते जो है इतने सारे बंदे मिले कि भाई कन्फ्यूज हो गया भाई पहले किसको मारूँ। शुरुआत हुई भाई पोचिंग की से, जहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं गन ढूंढ रहा था जो कि मेरी टीममेट ने उठा ली, लेकिन बाद में वो खुद मेरे को बोला था कि भाई यहाँ पर जो है एक शॉटगन पड़ी हुई है और सामने देखो। अब पहले मेरे को लगा ये बच गया तो मैं वहाँ से चला गया, लेकिन बाद में जो है मैंने इसको वापस मार दिया। अब यहाँ पर भी चारों तरफ मेरी बहुत सारे साउंड आ रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैंने टारगेट किया ये वाले बंदे को क्योंकि ये यहाँ पे अकेला था और मुझे लगा कि उसका टीममेट है, तो मैं ये वाले बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। और जब मैं इसको नॉक करके बाहर आता तो एक बंदा और आता मेरी तरफ भागते हुए जिसके हाथ में गन थी और भाई इसको तो क्या ही शॉट पड़ा। लेकिन यहाँ पे चारों तरफ जो बहुत सारे बंदे थे यार और मारने के लिए बहुत सारे बंदे थे, लेकिन जब मैं इसको लूट रहा था तो एक और बंदा आता मेरी साइड और अब देखो कैसे भरते इसको बंदे को भी। लेकिन ये वाला बंदा जो मेरे को डैमेज देता है और चलाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही बुलेट थी कि इसके बाद जो है रिलोड आना था, तो मैं इसके एक बंदे को जो है ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे फंस चुका था क्योंकि लंबी रिलोडिंग लग चुकी थी, लेकिन एट द एंड जाके जो है और आई फाइनली टपका दिया ये वाले बंदे को भी। और इसी बात पर जो है सब्सक्राइब तो बनते हैं, जिन्होंने भी अभी तक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जस्ट एक बार देखो यार और उसको दबाओ, प्लीज़ दबाओ उसको। अब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत गन्स का आदान प्रदान होता है और उसके बाद चले जाते हैं हम ये वाले एरिया में, लेकिन तभी वहाँ से फुट स्टेप आते और ये सीन देखो। और यार ये जो है भाई मैं इन दोनों का क्या ही कहूँ, मतलब क्या जो आखिरी वाला बंदा था आई मीन बंदी थी उससे थोड़ा बहुत बात करने की ट्राई करता हूँ लेकिन बात कुछ बनती नहीं है। और जिस प्रकार से ये दोनों गए भाई मैं क्या ही कहूँ भाई, सब्सक्राइब तो बनता है एक, चलो सब्सक्राइब नहीं करो लाइक कर दो। बट फिलहाल यहाँ पर जो है आप सबसे पहले हील वील कर लेते हो और जस्ट एच पी देखो आप मेरी। वहाँ पर जो है इन दोनों की गलती ये थी कि भाई ये दोनों जो एक ही लाइन ऑफ फायर में आ गए जिसके कारण जो एक बंदा नॉक तो मैंने कर दिया था, लेकिन पिछले वाले बंदे को भी जो है कुछ बुलेट लग गई थी और फिर मैंने दोबारा फायर करके उसको भी नॉक कर दिया और यहाँ पर जो है ये दोनों के फायर में आ भी सकता था। लेकिन फिलहाल जो एक फायरिंग होती है ये वाली साइड से और तभी ये वाले घर से आते मेरे को दो बंदों के फुटस्टेप, थोड़ा सा क्लोज आता तो भाई वो बंदा जो है एक फुटस्टेप के अंदर बदल जाता, आई मीन एक ही बंदा था जिसके कि डबल डबल फुटस्टेप आ रहे थे। और अब देखो कैसे मारते इसको। और यार ये वाला बंदा जो है काफ़ी सारे बंदों को मार चुका था, इसकी लूट देख के मैं आपको अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि भाई काफ़ी बंदों को पेल चुका था ये बंदा पोचिंग की में। और ये काफ़ी फास्ट गेम है, देखो उतरते जो है 7 किल हो चुके हैं वो भी पोचिंग के अंदर ही। अब यार फिलहाल यहाँ पे उतरते अच्छे खासे किल तो हो चुके थे, हॉट ड्रॉप जो है काफ़ी अच्छा गया है ये वाला। लेकिन अब मेरा टारगेट यहाँ पे ये था कि भाई जो जो देखा उसको जस्ट मारना है और किल बटोरने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जैसे मेरे में जो है उस तरफ पहुँचा तो भाई तभी आवाज़ आती है उधर भी दो बंदे हैं। अब मेरे को लगा कि वो इस तरफ की बात कर रहा हो, तभी मेरे को इस तरफ से कुछ फुटस्टेप भी आते हैं और मैं इस बंदे के लिए रेडी था। अब मैंने इसको नॉक तो किया लेकिन तभी आवाज़ आती कि भाई वो वाले बंदे जो है इस तरफ नहीं बल्कि मेरे में जिस साइड खड़ा है उस तरफ है, और मेरे को ये वाले घर के अंदर से आवाज़ आती है। लेकिन जैसे मैं ये वाले घर के अंदर घुसा तो ये आवाज़ शिफ्ट हो जाती है पिछले वाले घर में और मैं समझ गया कि यहाँ पर तो कोई नहीं है लेकिन बंदा जो है सामने वाले घर में है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, अब सीढ़ियाँ क्योंकि 2.0 में बदल गई हैं तो मैं डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ता क्योंकि ऊपर वाले को कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होता वहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले बाहर जाता हूँ, एक मॉली खींचता हूँ और ये फेंक देता हूँ वो वाले एरिया पे जहाँ पे बंदा जो है ओबियसली कैंपिंग कर रहा होगा, और दूसरा उसको डराने के लिए एक स्मोक फेंकता हूँ ताकि वो जो है नीचे आ जाए, और ये फाइनली काम कर जाता है। जैसे नेट की पिन खींची वो बंदा नीचे आ गया और फाइनली ये वाला बंदा तो गया, लेकिन बारी थी दूसरे की। अब जो दूसरा वाला बंदा था वो बॉट के साथ बिजी था, उसको मारने की ट्राई करी मैंने, डैमेज खाया उसने लेकिन वो बॉट को मार के रहता है, और क्योंकि आई थिंक उस बंदे के पास लूट नहीं थी जहाँ तक मेरे को लग रहा था क्योंकि वो आखिरी वाले घर में उतरा था जो कि स्क्वाड हाउस था पोचिंकी का और वहाँ पे उसको लूट नहीं मिली। दैट्स उसने जो भी उसके पास गन थी उसने मारा बॉट को, बॉट की जो भी गन्स थी वो उठाई, लेकिन इस चक्कर में वो हल्का सा जो है पेड़ से एक्सपोज हो गया और मैंने उस बंदे को काफ़ी इजीली मार दिया। अब इतना समझाना काफ़ी होगा आई थिंक आपके लिए। और मेरे को जो है सबसे बेस्ट आयरन साइड अगर किसी गन की लगती है एक किम के बाद तो वो है स्कारल, दैट्स मैं ऑब्वियसली स्कारल रखता हूँ अपने साथ चाहे मेरे को लॉन्ग रेंज में भी चलानी पड़ जाए। अब फिलहाल उसके बाद हम गाड़ी उठा के आ गए सीधा क्योंकि वहाँ पे बंदे बचे नहीं थे, तो हम आज रोगोजोक पे, रोजो पे मेरा ध्यान था कहाँ, रोजो की पहाड़ी पे क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर बंदे दिखते हैं खड़े हुए। लेकिन तभी मेरे को एक बंदा स्पोर्ट होता है जो कि भाई बिल्कुल ओपन में जा रहा था। अब यहाँ पे जो है गड़बड़ हो जाती है मेरे से, गड़बड़ क्या होती है वो टाइम के साथ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल जो है हमारा टारगेट वो वाले बंदे को मारना था जिसको मेरे ने डैमेज कर दिया था, और ऑब्वियसली वो अपने आप को हील भी कर लेता, लेकिन तब यहाँ पे एक चीज़ होती है जैसे देखो आप, मेरे को यहाँ पे हल्का सा लगा कि आई थिंक वो वाला बंदा जो उछल रहा है, इसलिए मैंने अपना जो स्प्रे है वो बीच रास्ते में रोक दिया, लेकिन
उस बंदे को शायद हेड लग गई है, उसने हील नहीं किया था, वो तुरंत ही नॉक हो जाता है एक बुलेट के अंदर। लेकिन मैंने क्योंकि उसको गलती से मार दिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि वो उछल रहा था, मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूँ मारने से पहले, और आसपास देख रहे थे कि सब बंदा ना कहीं से पेल दे, लेकिन तब भी वो बंदा जो तड़प तड़ के मर जाता, उसका बंदा नहीं आता। और हमने सब पूछा तो भाई उसने बताया कि उसका बंदा जो है यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब वो इसको रिवाइव करने नहीं आएंगे, और इसको तो वैसे भी मरना ही था, तो ये मर जाता है। और ये वाला बंदा जो है हमको मारने की ट्राई नहीं कर रहा था, ये वाकई में उछल रहा था, बट क्या कर सकते, वहाँ पर मैंने गलती से उस बंदे को मार दिया। फिलहाल सामने एक ड्रॉप दिखता है जिसको ढूंढते हुए रोशन से आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे जो है हमको डर सिर्फ इस बात का था कि ये वाले बंदे लूट के कहीं निकल ना गए हो, और ऐसा ही होता है, ये वाले बंदे इसी जगह पे होते हैं। और देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बंदा जिस तरफ से गाड़ी आई थी उस तरफ सोच रहा था कि भाई फायरिंग करूँ ना करूँ, इतने में इसको नॉक कर देता हूँ, और यहाँ से हल्की सी जगह देख जहाँ से उसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बच जाता है। लेकिन दूसरा बंदा इसका डैमेज खा लेता है, और इस बंदे को देखो, ये वाला बंदा अगर मेरे को हील कैंसिल करके मारने की ट्राई करता तो भी ये बंदा मरता ही मरता, और वैसे भी मर ही गया। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अब हमारा टारगेट ये था कि भाई ड्रॉप को लूटना है, लेकिन डायरेक्ट नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बंदे किसी पे फायर करते हैं, और आई थिंक यहाँ पे एक और टीम है। अब मैं अगर नीचे गया ड्रॉप लूटने के लिए तो भाई कोई बंदा जो है मेरे को बचा देगा, दैट्स व्हाई मैं अंदर ही रहता हूँ। और मेरे को एक हिसाब से मैंने भीड़ की तरह यूज़ किया, मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, और वो लूटने चला जाता है। अब जब कोई उसको मारने नहीं आया तो मैं फाइनली वो जो है ड्रॉप लूटने जाता हूँ, लेकिन तभी मेरे को आवाज़ आती है और मैं सबसे पहले सेफ जाता हूँ। फिर देखो बजा दिया इसको, हालांकि ये बोर्ड था। अब फिलहाल यहाँ पे आई थिंक मेरे को लग रहा था कि कोई यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है जोन बिल्कुल निकलने वाला है, तो मैंने मेरे को बोला भाई जल्दी बैठ गाड़ी में, हम यहाँ से जो है जल्दी से निकल लेते उसके पहले कि जोन आ जाए, और काफ़ी डैमेज भी करेगा, और अच्छे खासे बंदे जिंदा हैं तो मतलब हम अच्छे खासे किल कर सकते हैं। लेकिन तभी एक और आता है, और यार ये वाला भी गया। फिलहाल हमको सबसे पहले एक काम करना था, जोन में जाना था, क्योंकि ये जगह जो है काफ़ी दूर थी, और जोन कहाँ बना हुआ था, बिल्कुल भाई ब्रिज के उस पार, मतलब कुछ जगह इस पर तब थी लेकिन मोस्टली चांस था कि उस तरफ ही जाता जोन, तो हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे क्योंकि हमको कैंप करना था। और जैसे ही यहाँ पे आया तो एक बंदा भागते हुए दिखता है सामने वाले टावर की तरफ। अब वो बंदा भागा था, मतलब उसका टीममेट भी यहीं पर होगा, तो हम गाड़ी दूर रोक लेते क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा कवर, तो हमको मार सकते थे रोक के गाड़ी, तो हम दूर रुक जाते हैं और ताकि उनको जो है टाइम ना दें हम, और फाइनली हम उनको मारने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पे फुटस्टेप नहीं हो रहा, तो मैं समझ गया वो वाला बंदा जो है कहाँ हो सकता है, और यार ये वाला बंदा जो है काफ़ी इजीली मारा जाता है, और उसका कोई टीममेट भी यहाँ पे नहीं था, तो मैंने चुपचाप यहाँ पे जो हील करना सही समझा। लेकिन तभी मेरे टीममेट की आवाज़ आती है कि भाई दूसरे बंदा जो ऊपर है, और मेरे को वैसे भी फुटस्टेप आ गए थे उसके पहले कि मैं रिएक्ट करता, मेरे को जो है वॉर्न कर दिया, और मैं यहाँ पे एक नेड फेंक देता हूँ। अब ये नेड ऐसी जगह पर गिरा था कि ये दोनों साइड को डैमेज करे, यानी कि उस तरफ भी और इस तरफ भी, और होता भी ऐसा ही है। वो वाला बंदा जो है बीच से इस तरफ आ जाता है, लेकिन जो नेड है वो बिल्कुल ऐसी जगह पर गिरा था जो कि दोनों साइड डैमेज करे, और उस बंदे के पास कूदने का चांस था यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे हाथों ही मरता, हालांकि बम से नहीं लेकिन गन से मरता, बट उसने बम से मरना ही सही समझा, तो वो वाला बंदा मारा जाता है। और हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नज़र रखने लग जाते हैं क्योंकि जोन जो है इस तरफ था, लेकिन हमसे वेट नहीं हुआ, तो हमने सोचा यार चलो थोड़ा बहुत इधर उधर जो है देखते हैं, लोगों को ढूंढते हैं। और जैसे यहाँ पे आए तो भाई इस जगह पे जो है कोई टीम थी जो कि हमको कब से नज़र रखे बैठी थी, और एकदम तलाश थी भाई, वो हम पे कभी भी मौके पे फायरिंग कर सकती थी, और वो मौका मिलता है इस जगह पे। अब यार एक चीज़ की गलती कर दी थी कि ओपन में आगे फायरिंग करने लग गए थे, और ये जो फायरिंग है उस टीम को एक सेकंड के अंदर मारने वाली है। जस्ट आप देखो अब ये दोनों बंदे जो है कैसे मरते हैं यहाँ पे, और यार लिटरली पहला बंदा तो नहीं लेकिन जो दूसरे बंदा था उसकी लोकेशन हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, वो बंदा काफ़ी इजीली मार सकता था, लेकिन यार यहाँ पे जो है सडनली मैंने उसको देख लिया और एकदम क्राउच होकर जो उसको एक दो हेड लगा दिया मैंने, जस्ट आप स्लो मोशन में भी देखना। और ये वाले बंदे जो है ये वाली टीम भी काफ़ी इजीली मारी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ट्राई करो यार सब्सक्राइब करने का तुम्हारे भाई के चैनल को, जस्ट आपको लाल कलर के उस घंटी के बटन को दबाना है, और करो यार करो। अब फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब ये जो ऊपर एक लड़की गई है, आई थिंक लड़का जो भी है, बट आप देख लेना डिसाइड कर लेना, इसका जस्ट मरने का सीन देखो भाई। अब यहाँ पे मैं क्या ही कहूँगा, अगर ये थोड़ी देर पहले बोल देती तो शायद मैं अपना नीट जो है कैंसिल कर देता, लेकिन जब उसको मार रहा था तो तब यहाँ पे एक गाड़ी आई थी, और कंफर्म करने के लिए मैं आया इस जगह पे जहाँ पे मैंने देखा ओहो भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं खुद आगे नहीं जाता क्योंकि मेरे को पता था वो बंदा जो है कहीं ना कहीं टीवी पे ले रहा है, आगे जाऊँगा तो भाई फेल दिया जाऊँगा, हो सकता है कि फिनिश भी हो जाऊँगा अच्छे खासे खेलते, मेरे मैं नहीं चाहता था फिनिश होना, तो मैं मेरे को आगे भेजता हूँ और तब भी मैं पिट जाता हूँ यहाँ पे। दैट्स व्हाई जो है मैं किसी घर के अंदर पहले नहीं घुसता क्योंकि भाई बंदा जो है किसी भी कोने में हो सकता है और कैंप करता हो सकता है, और मैंने जहाँ पे बिल्कुल उसको एक्सपेक्ट किया तो वो जगह पे था ही नहीं, और यहाँ पे मैं बार बार मलते मलते बचा रहा कि मेरे को मिल गया यहाँ पे। बट जब यहाँ से निकलने की बारी थी अब, क्योंकि हमारे आसपास जो है एक ड्रॉप गिरा था, जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने एक ड्रॉप को गिरते हुए देखा मेरे जस्ट सामने, तो मैंने अपनी टीम को बोला भाई जल्दी चल उस ड्रॉप को हम लूट के आते हैं, लेकिन जब हम उनको लूटने जा रहे थे तो भाई सामने जो एक टीम दिखती हमको,
काफ़ी दूरी पे थी वो टीम, लगभग लगभग 100 से 150 मीटर। अब गाड़ी से इतना ज़्यादा मीटर जो है इतने जल्दी से तय नहीं होता, हमारे पास फ्यूल भी कम था, ऊपर से मेरे में जो है बूस्ट पर गाड़ी चला रहा था और ऊपर से हम काफ़ी अजीब गरीब जगह से गुजर रहे थे, लेकिन तभी वो गाड़ी जो है हमारी जस्ट नज़रों से दूर हो जाती क्योंकि उस तरफ जो है ढलान थी। अब थोड़ी देर तो वो गायब रहती है लेकिन सडनली वो मिल जाती है और अब देखो क्या होता है। और इस टीम के मिलते जो है ये पूरा का पूरा गेम खत्म होने लगा क्योंकि ये वाली टीम का एक बंदा हमने नॉक कर दिया, इनके पास काफ़ी कम मौका है और देखो कैसे पढ़ते हैं। मैंने जस्ट गेस किया कि वो बंदा उस जगह पे हो सकता है फायरिंग की और वो उस जगह पे नहीं था। अब फिलहाल देखो कैसे पढ़ते हैं इन दोनों को। यहाँ पे भले ही एम एम हिल गया था मेरा लेकिन एक आधी बुलेट तो मैंने कनेक्ट कर ही दी और ये वाली टीम जो है पेल दी जाती है। लेकिन ये वाली जगह इस जगह को याद रखना क्योंकि यहाँ पे एक बंदे के पास MK-14 थी और वो हम पे नज़र लगाए बैठा था और दूसरे बंदे के हाथ में स्नाइपर। अब जस्ट ये शॉट चूक गया और यही जो है उस टीम की मौत का कारण बनता है। फिलहाल यहाँ पे अंधा वाला स्प्रे कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे को उस तरफ से आवाज़ आई थी और हो सकता था कि वहाँ पे लग जाती क्योंकि उसी जगह से लगभग लगभग वो बंदा वहीं पे था, आसपास ही था, काफ़ी क्लोज था मेरे, इसलिए मैंने फायरिंग कर दी। और क्योंकि मेरे को पता था उस बंदे के हाथ में MK-14 है तो मैं एकदम तैयार था। देखो उसको भी उतना डैमेज मिला जितना उसने मेरे को किया। और अब यहाँ पे कहने को कुछ बचा नहीं, एक बंदे ने मेरे को ऑलरेडी जो है काफ़ी सारा डैमेज कर दिया था और दूसरे को मारने गया लेकिन वो वाला बंदा जो है क्योंकि मेरी आधी हेल्थ थी तो वो वाला बंदा मेरे को नॉक कर देता, लेकिन पीछे भाई मेरे टीममेट के हाथ में भी MK-14 थी और उसने जो उसको मार के इजीली ये वाला चिकन डिनर जो अपने हाथ में कर लिया। और काफ़ी फास्ट गेम था, लाइक पोचिंग गेम उतरे उतरते जो है काफ़ी सारे वहाँ पे जो है हमको किल मिल गए और उसके बाद भी जो है लगातार बंदे मिलते रहे और लगभग लगभग जो है 20 से 22 मिनट में पूरा मैच खत्म हो गया लेकिन किल जो है काफ़ी अच्छे खासे हो चुके थे। तो होप आपको ये वाली वीडियो जो काफ़ी सही लगी होगी और सब्सक्राइब बोल चुका आपको 2-3 बार तो ट्राई हो तो मतलब अच्छा लगे तो भाई वीडियो तो कर देना सब्सक्राइब। और इसके साथ अगर आप IPL देख रहे हो तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी टीम जीतेगी और अगर आप थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक्शन करना चाहते हो, थोड़ा अर्निंग भी करना चाहते हो तो भाई 1xBet को ट्राई करना, लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में वो भी पिन, तो ट्राई कर लेना। और आप जो है वहाँ पे रेफर कोड यूज़ कर सकते हो मेरा साइनअप करते समय, तो वहाँ पे जो आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ मिल जाएगा लाइक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा तो उसको आप ट्राई कर सकते हो IPL में अपनी फेवरेट टीम पे। मेरी फेवरेट टीम जो है वो CSK है, आपकी बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ये कुछ ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो गया तो मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।